मर्डर हो जाता है। पुलिस को गले पर एक हाथ का निशान मिलता है, लेकिन खूनी ने हाथ में दस्ताने पहन रखे थे, इसलिए पुलिस को कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलते, ना ही कोई सुराग मिल पाता है। उस समय घर पे चार लोग मौजूद थे। पुलिस घर के सारे सीसीटीवी फुटेजेस चेक करती है और समझ जाती है कि खूनी कौन हो सकता है। क्या आप इस सीसीटीवी फुटेज को देख के बता सकते हैं खूनी कौन हो सकता है, एबीसी या डी? सोचिए लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखिए। चौथा आदमी लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है और मरे हुए आदमी के गले में भी लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट बने हुए हैं। मतलब इसी आदमी ने उसे मारा होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड से गला दबाने के लिए लेफ्ट हैंड बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और केवल यही आदमी लेफ्ट हैंड से गला दबा सकता है क्योंकि ये लेफ्टी है। पुलिस इसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेट्रो ट्रेन के अंदर एक आदमी का पर्स चोरी हो जाता है। उसे तीन लोगों पे डाउट होता है। पहला आदमी कहता है, मैं तो अपना मोबाइल चला रहा था, मैंने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं। दूसरा आदमी कहता है, मैं तो स्टॉप पे पानी पीने के लिए बाहर चला गया था, 10 मिनट बाद आया हूँ। तीसरा आदमी कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है, ए बी या सी? सोचो लॉजिकल आर्मी और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कहा कि वो स्टॉप पर पानी भरने के लिए गया था और 10 मिनट बाद वापस आया है, लेकिन मेट्रो ट्रेन किसी भी स्टॉप पर 10 मिनट तक नहीं रुकती है। मतलब वो झूठ बोल रहा है। उसकी चेकिंग करते हैं तो उसके पास बस मिल जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक डॉग और एक गाय बराबरी में बहुत तेज दौड़ रहे थे। दोनों के दौड़ने की स्पीड एकदम बराबर थी। तभी सामने गन्ने का खेत आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं डॉग या गाय दोनों में से कौन सबसे पहले गन्ने के खेत को पार कर पाएगा? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। भले ही दोनों के दौड़ने की स्पीड बराबर है, लेकिन डॉग की हाइट कम है तो वो गन्ने के खेत को बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेगा, लेकिन गाय बड़ी होती है तो वो फसल में अटक जाएगी और रेस में हार जाएगी। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इन चारों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए किसे फांसी नहीं होने वाली है, ए बी सी या डी? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। डी वाले के हाथ खुले हुए हैं, मतलब इसे फांसी नहीं होगी। ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।